What's up guys, Sanjot Kir here, welcome to IFL. वेज ग्रीन थाई करी बना रहा हूँ आज. बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई रेसिपी है और एक अच्छी थाई करी बनाने के लिए एक अच्छी होममेड फ्रेश थाई करी पेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है. वो जो मार्केट से रेडीमेड वाली पेस्ट लाते हैं उसमें कोई मज़ा नहीं आता है. तो आज एकदम सिंपल इन्ग्रीडियंट्स के साथ सिंपल तरीके से एक फ्रेश और बहुत ही डिलिशियस थाई करी पेस्ट कैसे बनाते हैं ग्रीन वाली, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. और साथ ही में वही पेस्ट यूज़ करके फिर एक वेजिटेबल ग्रीन थाई करी बनाएंगे जो बहुत ही अमेजिंग बनती है. और आप सबको बहुत सारे डाउट्स होते हैं थाई करी में यूज़ किए इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर करने वाला हूँ. तो सबसे पहले फ्रेश ग्रीन थाई करी पेस्ट कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं. एक पैन के अंदर एक टीस्पून साबुत धनिया यानी कोरिएंडर सीड्स और एक टीस्पून जीरा यानी क्यूमिन सीड्स ऐड कर दिए. कुछ सेकेंड्स के लिए या एक मिनट के लिए जीरा और धनिया को लाइटली टोस्ट कर लीजिए, जिससे हमको आसानी हो जाएगी इसको बाद में पीसने के लिए. भूनने के बाद धनिया और जीरे को मैं एक हमाम दस्ते के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ. साथ ही में यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ एक टीस्पून सफ़ेद मिर्च यानी वाइट पेपरकॉर्न्स. अब ये तीनों मसालों को थोड़ा सा कूट लेना है बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स डालने से पहले. साबुत मसाले जो होते हैं बाकी में पेस्ट में थोड़ा मुश्किल हो जाता है इन्हें कूटना, इसलिए मैं पहले ही इन्हें थोड़ा सा कूट रहा हूँ एक पाउडरी कंसिस्टेंसी तक इन्हें अच्छे से कूट लेना है. अभी आप देख सकते हो मैंने मसालों को अच्छे से कूट लिया है. इसी के साथ अभी बाकी के जो हमारे थाई करी के पेस्ट के इंग्रेडिएंट्स है वो ऐड कर दिए. यहाँ पर मैंने 2 इंच गलांगल यानी थाई जिंजर ऐड कर दिया है, 1/2 इंच फ्रेश टर्मरिक यानी फ्रेश हल्दी, 2 स्टॉक्स लेमन ग्रास के, 8 से 10 कलियाँ लहसुन की यानी गार्लिक, 3 से 4 शैलट्स यानी मद्रास प्याज, 8 से 10 डार्क वाली हरी मिर्च यानी ग्रीन चिलीज. अब यहाँ पर मैंने एक नींबू ले लिया है और ये नींबू का जो छिलका ही हमें इस पेस्ट के अंदर ऐड करना है. तो आप देख सकते हो मैं अभी छिलके को एक नाइफ़ की मदद से अलग कर रहा हूँ. आपको ध्यान देना है कि नींबू के सरफेस के नीचे जो वाइट वाला हिस्सा होता है ये आपको ऐड नहीं करना है. वाइट वाला हिस्सा है वो बिटर होता है, तो इसे अवॉइड करना है छीलते वक्त. आपको सिर्फ हरा वाला हिस्सा वो यूज़ करना है. तो आप देख सकते हो मैंने एक पूरे नींबू का छिलका अलग कर लिया है और इस छिलके को भी मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ. यहाँ पर मेरे पास 3 से 4 धनिए की डंटल है, जो फ्रेश हरा धनिया होता है उसकी डंटल और रूट्स है, इसे भी मैं चॉप कर रहा हूँ. इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ये एक फ्रेशनेस ऐड करता है इस थाई करी पेस्ट में, तो ये ज़रूर ऐड कीजिए. मैंने अभी धनिए के डंटलों को भी काट कर ऐड कर दिया है. अब इसके अंदर एक लार्ज पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ. तो अब सारे इन्ग्रीडियंट्स ऐड करने के बाद आपको इन इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से कूट लेना है साथ में और एक फाइन पेस्ट बना लेनी है. इस प्रोसेस को कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाते हैं अगर एक हमाम दस्ते के अंदर इस पेस्ट को बना रहे हो तो. अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मिक्सर ग्राइंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो. मिक्सर ग्राइंडर में 1-1.5 मिनट में अच्छे से कूट जाएगी. ट्रेडिशनली थाई करी पेस्ट एक हमाम दस्ते के अंदर ही कूट कर बनाई जाती है, उसका थोड़ा सा टेक्स्चर और फ्लेवर बेटर आता है. तो अगर हमाम दस्ता है तो ज़रूर यूज़ कीजिए, बेटर रिजल्ट्स आएंगे. अब आप देख सकते हो 10-15 मिनट से मैं कूट रहा था इस पेस्ट को और पेस्ट का टेक्सचर एकदम परफेक्ट आ चुका है. कलर भी एकदम ब्राइट ग्रीन बढ़िया सा कलर आया है. ऐसे ही कलर की एक पेस्ट बनानी है और टेक्सचर भी उसका ऐसे ही होना चाहिए. तो अब हमारी होममेड फ्रेश ग्रीन थाई करी पेस्ट रेडी हो गई है. तो आपने देखा कितना आसान है फ्रेश होममेड थाई करी पेस्ट बनाना. सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, प्रोसेस भी एकदम सिंपल है. अब आप सबको कभी कभी क्वेरी होती है सब्स्टिट्यूशंस कैसे करने हैं, इसमें ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स के, काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, सब आंसर करने वाला हूँ आपके. सबसे पहले तो थाई करी रेड और ग्रीन कलर की होती है. आज मैं ग्रीन वाला वर्जन बना रहा हूँ इसलिए मैंने हरी मिर्च का यूज़ किया है. जो कलर है थाई करी का वो मेजरली मिर्ची कौन सी यूज़ की है उससे आता है. तो आज मैंने ये डार्क वाली हरी मिर्ची यूज़ की है जो इंडिया में आसानी से मिल जाती है, हम आम अपने खाने में यूज़ करते हैं. ट्रेडिशनली जो थाई करी पेस्ट है उसके अंदर बर्ड्स आई चिली यूज़ की जाती है जो थाई रीजन में काफ़ी ग्रो होती है और वो 2 रंग की होती है, लाल और हरी. ग्रीन थाई करी के लिए ग्रीन वाली चिली यूज़ की जाती है और रेड थाई करी के लिए रेड वाली यूज़ की जाती है. रेड वाली बर्ड्स आई चिली कुछ इस तरीके की दिखती है और आसानी से आजकल मार्केट में मिल जाती है. कुछ इंग्रेडिएंट्स थाई कुजीन में ऐसे होते हैं जो बहुत पिक्यूलियर टेस्ट और फ्लेवर देते हैं, अरोमा भी उसकी अलग होती है और वो यूज़ करना ज़रूरी होते हैं. तो मैं इंग्रेडिएंट्स जो ज़रूरी वाले हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास ये लेमन ग्रास है. अब लेमन ग्रास भी काफ़ी आसानी से इंडियन मार्केट्स में मिल जाता है और हम ग्रीन टी वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये वाला जो इंग्रेडिएंट है इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते. इसका बहुत पिक्यूलियर एक फ्लेवर होता है, एक बहुत पिक्यूलियर अरोमा भी होती है जो बहुत ज़रूरी है इस थाई करी पेस्ट के लिए और थाई करी के लिए. तो याद रखना ये सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते. अब इसका जो ये पत्तों वाला पार्ट है हमें यूज़ नहीं करना है, इसे साइड में रख देना है, चाय वगैरह में यूज़ कर सकते हो.
ये खाली बॉटम का स्टॉक वाला हिस्सा आपको यूज़ करना है। स्टॉक वाले हिस्से में भी ये एक बाहर एक वुडी कवरिंग होती है, ऐसी जो कवरिंग होती है वो कवरिंग को निकाल दीजिए और सिर्फ अंदर का सॉफ्ट वाला हिस्सा यूज़ कीजिए, इसमें सबसे ज़्यादा फ्लेवर होता है। अब दूसरा थाई वाला इंग्रेडिएंट यहाँ पर कुछ अदरक जैसे दिख रहा है, इसे गलांगल कहते हैं, ये थाई जिंजर है और ये हमारे नॉर्मल जो हम इंडिया में यूज़ करते हैं जिंजर, उससे इसका अरोमा और फ्लेवर काफ़ी अलग होता है। तो याद रखना, आप जिंजर मत यूज़ कीजिए, गलांगल यूज़ कीजिए, आसानी से मार्केट में आजकल मिल जाता है और इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा होता है और इस थाई करी पेस्ट में इस फ्लेवर का होना बहुत ज़रूरी है। तो इससे भी कोशिश कीजिए, ऑल्टरनेटिव नहीं यूज़ कीजिए अदरक वाला, ये गलांगल ही यूज़ कीजिए। तो ये जो दो इंग्रेडिएंट्स हैं ये यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप थाई करी पेस्ट नहीं बना सकते। अब ट्रेडिशनली थाई करी पेस्ट बनाते समय और भी कुछ एकदम ट्रेडिशनल ऑथेंटिक थाई इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कफीर लाइम यूज़ किया जाता है। आज मैंने जो ये नींबू यूज़ किया नॉर्मल वाला जो इंडिया में यूज़ करते हैं, इसके जगह पर एक कफीर लाइम होता है जो थाई रीजन में काफ़ी उगाया जाता है, उसका छिलका यूज़ किया जाता है, उसके पत्ते भी यूज़ किए जाते हैं। अब फ्रेश कफीर लाइम इंडिया में थोड़ा सा मुश्किल होता है मिलना, इसलिए नॉर्मल वाला नींबू यूज़ किया है। कोई कोई सुपरमार्केट्स में मिल जाता है, अगर आपको मिलता है तो एक कफीर लाइम का छिलका आपको ऐड करना है और नॉर्मल वाला ये जो नींबू है तब यूज़ नहीं करना है। ट्रेडिशनली और एक इंग्रेडिएंट थाई कुजीन में बहुत यूज़ की जाती है और इस पेस्ट में भी ऐड की जाती है, जिसे श्रिम्प पेस्ट कहते हैं। एक फर्मेंटेड श्रिम्प की पेस्ट होती है जो एक उमामी फ्लेवर ऐड करती है। आज मैं वेजिटेरियन वर्जन बना रहा हूँ, इसके लिए मैंने वो इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं किया है। कई सारे इंडियंस को, हमारे पैलेट को सूट नहीं करता है, तो अगर आपको नहीं पसंद है श्रिम्प पेस्ट तो आप मत ऐड कीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन वर्जन बना रहे हैं, आपको पसंद है श्रिम्प पेस्ट, तो एक टीस्पून श्रिम्प पेस्ट इस पेस्ट के अंदर आप ऐड कर सकते हो। वेजिटेरियन ऑल्टरनेटिव ये मीसो पेस्ट होती है, जापानीज़ एक इंग्रेडिएंट होता है, फर्मेंटेड पेस्ट होती है, वो एक टीस्पून इसमें ऐड कर सकते हो, वो भी आजकल आसानी से मार्केट में मिल जाती है। इसके अलावा जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं बहुत बेसिक हैं और इंडियन और थाई कुजीन के वो कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगे, तो सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके बनाओ। जो हल्दी का मैंने इस्तेमाल किया है, जो फ्रेश हल्दी है, मैंने जहाँ से थाई करी सीखी है उन लोग ट्रेडिशनल ऑथेंटिक थाई करी पेस्ट में भी यूज़ करते हैं। कलर भी अच्छा आता है, फ्लेवर भी अच्छा आता है, कई सारे रेसिपीज़ में वो नहीं होती है। अगर आप वो इंग्रेडिएंट्स स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये पेस्ट जो मैंने आज बनाई है, इससे दो बार आप थाई करी बना सकते हो। मैं डबल क्वांटिटी यूजुअली बनाता हूँ, एक ही बार मेहनत करके दो बार आप थाई करी बना सकते हो। अगर आप एक ही बार बनाना चाहते हो तो चार से पाँच लोगों के लिए आधी क्वांटिटी यूज़ करके एक ही बार के लिए भी थाई करी पेस्ट बना सकते हो। एक बड़ा बैच बनाकर आप फ्रीज़र में इसको कम से कम दो तीन महीने के लिए स्टोर करके बारी बारी से भी थाई करी बना सकते हो, वो भी ऑप्शन है आपके पास। अब ये थाई करी पेस्ट यूज़ करके थाई करी कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। अब एक पैन के अंदर यहाँ पर मैं 200 ml कोकोनट मिल्क ऐड कर रहा हूँ। कोकोनट मिल्क ऐड करने के बाद अभी इसे अच्छे से आपको पकाना है जब तक कि ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता है। थिक होने के लिए इसको कम से कम दो तीन मिनट लग जाएंगे। हाई फ्लेम पर कोकोनट मिल्क को कुक कीजिए और इसको अच्छे से गाढ़ा होने दीजिए। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इसके अंदर कोई ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। ट्रेडिशनली थाई करी जब भी बनती है उसे ऐसे कोकोनट मिल्क में ही बनाया जाता है और बाकी का जो कोकोनट मिल्क है मैं इस रेसिपी में बाद में ऐड करूँगा। अब आप देख सकते हो कोकोनट मिल्क काफ़ी थिक हो चुका है, दो से तीन मिनट भी हो चुके हैं। इस स्टेज पर इसके अंदर हमारी जो फ्रेश होममेड थाई करी पेस्ट है वो ऐड करनी है। यहाँ पर मैंने 3 से 4 टेबलस्पून थाई करी पेस्ट ऐड कर दी है। थाई करी पेस्ट ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एक बार थाई करी पेस्ट आपकी कोकोनट मिल्क के साथ मिक्स हो गई है, अभी इसे हमें अच्छे से पकाना है। आपको तब तक पकाना है जब तक कि जो थाई करी पेस्ट है वो एकदम डार्क कलर की ना हो जाए और जो कोकोनट मिल्क है उस वो अपना फैट ना छोड़ दे। आपको एकदम पेस्टी कंसिस्टेंसी हो जाएगी तब तक इस मिक्सचर को पकाना है। अभी आप देख सकते हो मीडियम फ्लेम पर मैंने अच्छे से 3-4 मिनट के लिए इस मिक्सचर को पकाया है। जो थाई करी पेस्ट है उसका कलर भी थोड़ा सा डार्क हो गया है और जो कोकोनट मिल्क है उसने अपना फैट छोड़ दिया, इसलिए हमारा पैन भी काफ़ी ग्रीसी हो गया। इस स्टेज तक थाई करी पेस्ट को आपको पकाना है। अब बाकी का जो कोकोनट मिल्क है यहाँ पर ऐड कर देते हैं। मैं यहाँ पर 800 ml कोकोनट मिल्क और ऐड कर रहा हूँ। इन टोटल मैंने इस रेसिपी में 1 लीटर कोकोनट मिल्क यूज़ किया है। तो कोकोनट मिल्क ऐड करने के बाद अच्छे से आप स्टर कर लीजिए। जो आपकी थाई करी पेस्ट है वो अच्छे से कोकोनट मिल्क के साथ मिल जानी चाहिए, इसमें लम्ब्स रहने नहीं चाहिए, इस बात का आप ध्यान दीजिए। अब आप देख सकते हो बहुत अच्छा कलर आ गया थाई करी का, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया इस करी को। इस स्टेज के ऊपर यहाँ पर मैं सबसे पहली जो वेजी है बेबी कॉर्न है वो इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। मैंने 1/2 कप बेबी कॉर्न यूज़ किया है और इसे बॉईल नहीं करके रखा हुआ है, मैं अभी इसी के अंदर इसको बॉईल करने वाला हूँ।
मैंने सिर्फ एक ही वेजी अभी ऐड की है, बाकी की वेजिटेबल्स बाद में ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि बेबी कॉर्न को सबसे ज़्यादा समय लगता है कुक होने को। बाकी की जो वेजिटेबल्स हैं वो फटाफट एक दो मिनट में पक जाती है और उन्हें हमें क्रंची रखना है, इसलिए वो मैं बाद में ऐड करने वाला हूँ। तो अभी आप देख सकते हो अच्छे से जो हमारी करी है वो बॉयल हो रही है, अच्छे से कुक भी हो गई है 7-8 मिनट के लिए, और हमारा जो बेबी कॉर्न है वो भी ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। इस स्टेज के ऊपर मैं अभी बाकी के जो रिमेनिंग इन्ग्रीडियंट्स हैं इस थाई करी के अंदर ऐड कर रहा हूँ। 1/2 कप मशरूम, 1/2 कप ब्रोकली, 1/2 कप गाजर यानी कैरेट्स, 1/2 कप हरी शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम, 1/3 कप लाल शिमला मिर्च यानी रेड बेल पेपर। यहाँ पर मैंने 1.5 से 2 बड़े चम्मच ब्राउन शुगर ऐड कर दी है और साथ ही में टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ। अब सारे इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद इसको कम से कम आपको 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। आपको एक बात का याद रखना है, थाई करी हमारी जो प्रॉपरली पक चुकी है, ये अभी सिर्फ वेजिटेबल्स को हम पका रहे हैं यहाँ पर। अभी जो बाद में हमने वेजिटेबल्स डालिए, ध्यान दीजिए कि इसे बहुत कम टाइम लगता है पकने में, तो जब तक कि वेजिटेबल्स बस ऑलमोस्ट कुक नहीं हो जाती है तब तक ही आपको अभी करी को पकाना है। आपको ध्यान देना है कि वेजिटेबल्स क्रंची रहनी चाहिए और इसका कलर भी रिटेन होना चाहिए, एकदम लिम्प और एकदम सॉफ्ट वेजीज जो हैं वो थाई करी में मज़ा नहीं आता खाने में, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। तो अभी आप देख सकते हो 3 से 4 मिनट हो गए हैं, मेरी बाकी की भी वेजिटेबल्स जो कुक हो गई हैं, कलर भी रिटेन हुआ है और एकदम क्रंची भी हैं। इस स्टेज तक सिर्फ आपको अभी थाई करी को पकाना है। अब बस लास्ट के कुछ इंग्रेडिएंट्स रह गए हैं, तो यहाँ पर मैं 2 से 3 कफीर लाइम लीव्स ऐड कर रहा हूँ। साथ ही में यहाँ पर मेरे पास थाई बेसिल है, एक अच्छा हैंडफुल थाई बेसिल आप ऐसे थोड़ा सा टेयर करके हाथों से इसमें ऐड कर दीजिए। और लास्ट में यहाँ पर मेरे पास वो जो बड़ी वाली लाल मिर्च होती है वो थोड़ी सी मैंने स्लाइस करके रखी हुई थी, कलर के लिए मैं ये ऐड कर रहा हूँ। बस ये तीनों इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद अभी ज़्यादा आपको पकाना नहीं है, बस 2 मिनट के लिए आपको भी थाई करी को पकाना है, और फटाफट से ये बेसिल का और कफीर लाइम लीव्स का फ्लेवर आपकी थाई करी में आ जाएगा और आपकी थाई करी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट कलर आ गया है, कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है हमारी थाई करी की, और यहाँ पर हमारी जो ग्रीन थाई करी है वो रेडी हो गई है। अब जो बेसिल लीव्स मैंने आज यूज़ किए हैं, वो काफ़ी सारे लोग कमेंट्स में कहते हैं कि तुलसी यूज़ कर सकते हैं क्या, जब ट्रांसलेट करते हो आप बेसिल को तो तुलसी ही लिख के आता है, बट तुलसी जो है सेम फैमिली से होती है पर उनके फ्लेवर्स काफ़ी अलग होते हैं। पैकेट्स में या फ्रेश आजकल बेसिल मिल जाता है मार्केट में, वही यूज़ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है ये थाई करी के लिए। साथ ही में जो कफीर लाइम लीव्स यूज़ किए हैं ये भी मिल जाते हैं, अगर नहीं मिलते हैं तो बेसिक जो नींबू के झाड़ के पत्ते होते हैं वो 2-3 इसमें डाल सकते हो, बहुत फ्रेश इसका फ्लेवर होता है। अब थाई करी में ट्रेडिशनली फ़िश सॉस का भी यूज़ किया जाता है, फ़िश सॉस भी एक उमामी फ्लेवर ऐड करता है, और आज मैंने वेज वर्जन बनाया इसलिए मैं फ़िश सॉस इसमें नहीं ऐड कर रहा हूँ। नॉन वेजिटेरियन वर्जन अगर आप बनाते हो तो फ़िश सॉस ऐड कर सकते हो, 1 टेबलस्पून ऐड करना है इस करी के अंदर, वो कम्प्लीटली ऑप्शनल है इस रेसिपी में। तो सारी चीज़ें मैंने अभी आपको अच्छे से समझा दी हैं, हमारी थाई करी भी रेडी है, मैंने थोड़े से जैस्मिन राइस भी बना के रखे हैं साथ में सर्व करने के लिए। सो लेट्स प्लेट द थाई करी वाईफल स्टाइल। तो हमारी वेज थाई करी राइस बहुत ही डिलिशियस बनी है आज, और जो होममेड फ्रेश थाई करी पेस्ट है उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है आज पेस्ट बनाना, उसी तरीके से बनाइए और थाई करी बना के देखो। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव दिस थाई करी रेसिपी, और आप हमेशा यही रेसिपी यूज़ करोगे आगे जाके, बहुत ही डिलिशियस बनती है और एकदम बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। तो ट्राई करो ये रेसिपी और कमेंट्स में मुझे बताओ आपको कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with my beautiful green thai curry recipe at your home. Cheers.